ठीक 10 बजे की सीटी ऐलान करती है सोने के वक्त का। अगले दिन की शुरुआत होगी सुबह 6:45 बजे के बिगुल से। सुबह की चाय मदद करती है आंखों की नींद ठीक से भगाने में। चाय के बाद का वक्त है बाथरूम की तरफ रुख करने का, पर बैरिक छोड़ने से पहले ये जरूरी है कि आप अपना बिस्तर दुरुस्त करके जाएं, अपने स्लीपिंग बैग को ठीक से समेटें और बिस्तर सीधा और साफ करें। अगर आप नहीं जानते कि ऐसा कैसे किया जाता है तो इसमें अपने उस्ताद की मदद ले लें। वो आपको समझाएंगे कि सो के उठने के बाद आपको कैसे आपका बेड ठीक करना है। अगर सभी रिक्रूट्स इन बातों पर ध्यान देंगे तो उनका बैरक एकदम दुरुस्त और खूबसूरत दिखेगा। पहले स्लीपिंग बैग को ठीक से बिछा लें, उसकी जिप बंद करें और इस कवर को ऊपर लगा दें। अब बारी है इसे फोल्ड करने की। स्लीपिंग बैग के किनारों पर लगी तनियों को फोल्ड किए गए बैग के ऊपर लपेटें और इस तरह बांध लें। बैग को अपने लॉकर के ऊपर रख लें। अब बारी है बिस्तर को ठीक करने की। पहले चादर की सारी सिलवटें ठीक करें। फिर कंबल और उसमें रखी जैकेट को ठीक करें। ख्याल रहे कि जैकेट और कंबल की सारी तह एक बराबर आए। अब आपका बेड दिखने लगेगा एकदम दुरुस्त। सुबह उठकर ब्रश करना भी निहायत जरूरी है। ये सुबह सुबह आपको ताजगी का एहसास देता है। ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट का मुंह रखें, उसे हल्के से दबाएं और टूथपेस्ट को ब्रश पर फैलाएं। हमें ब्रश करना है आहिस्ता आहिस्ता, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ, जो कि हमारी दांतों की बनावट के हिसाब से एकदम सही है। ब्रश करने से न सिर्फ मुंह में ताजगी आती है बल्कि दांतों और मसूड़ों की सेहत दुरुस्त बनी रहती है। और ये निहायत जरूरी है कि हम सही तरह से ब्रश करें। जोर जोर से ब्रश करने से हम अपने दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ब्रश को थोड़ा आस्ता करो, धीरे करो, ऊपर से नीचे, किस प्रकार आपको बताया था उस प्रकार ब्रश करो। हमेशा अच्छे किस्म का ब्रश और अच्छे किस्म का टूथपेस्ट इस्तेमाल करें और ब्रश जब घिसने लगे तो उसे बदल दें। शहरी किस्म के टॉयलेट्स इस्तेमाल करते समय ये जरूरी है कि हम इस्तेमाल के बाद ऊपर लगे फ्लश के इस बटन को घुमा दें। इससे निकलने वाले पानी के बहाव से टॉयलेट की सीट साफ हो जाएगी। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोना भी जरूरी है, पर सिर्फ पानी से हाथ धोना काफी नहीं है।
हाथ किसी बढ़िया किस्म के साबुन से धोएं। इससे हाथों के तमाम कीटाणु मर जाएंगे। एक रौबदार और खुशनुमा शख्सियत के लिए जरूरी है चेहरे का रुआब, और इसे पाने के लिए जरूरी है कि हम रोज सुबह शेव करें। सबसे पहले शेविंग क्रीम चेहरे पर लगाएं, ब्रश को गीला करें और शेविंग क्रीम के साथ चेहरे पर चलाएं। चेहरे पर शेविंग क्रीम अच्छी तरह से लग जाने के बाद ब्लेड लगाकर अपना रेजर तैयार करें। ख्याल रहे कि आपका रेजर और ब्लेड अच्छी क्वालिटी का हो, और जब रेजर चेहरे पर सख्त लगने लगे तो उसका ब्लेड बदल दें। धीरे धीरे इस प्रकार चेहरे पर लगी क्रीम वाले हिस्से पर रेजर को चलाएं। रेजर दाढ़ी के बड़े बाल काटता चला जाएगा। शेव हो जाने के बाद तौलिए से अपना मुंह साफ करें। इसके बाद आपको लगाना है आफ्टर शेव लोशन। यूं होगी दिन की शुरुआत एक तरोताजा चुस्त दुरुस्त रिक्रूट की। रेजिमेंटल सेंटर के इलाके की तमाम जानकारी होना भी जरूरी है। इस काम में रिक्रूट्स के अफसर उनकी मदद करते हैं। अपने रेजिमेंटल सेंटर को पहली बार घूमकर देखना एक रिक्रूट के लिए अपने आप में एक बहुत अहम और सुहाना सफर होता है। रेजिमेंटल सेंटर को करीब से देख लेने के बाद अब रिक्रूट्स को पता चल जाता है कि उनका नया घर कैसा है। नए आए रिक्रूट्स के लिए ये भी जान लेना जरूरी है कि खान पान का सही तरीका क्या है। डाइनिंग हॉल में जाने से पहले रिक्रूट्स के अफसर उनको हिदायत देते हैं कि डाइनिंग हॉल में किस तरह जाएं और खाना लें। खाने से पहले और बाद में हाथ धोना निहायत जरूरी है। रिक्रूट्स को एक एक करके अंदर जाना है। अपने प्लेट, चम्मच और ग्लास लेकर एक लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना है। रेजिमेंट में आने के पहले दिन से ही रिक्रूट्स की जिंदगी में बदलाव शुरू हो गया। आज वो अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर एक जैसा खाना खाएंगे, एक बहुत बड़े परिवार की तरह। इससे पहले कि खाना शुरू हो, अफसरान रिक्रूट्स को बताते हैं कि खाना खाते वक्त किन बातों का ध्यान रखें। खाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करें। खाते वक्त ज्यादा मुंह ना खोलें। खाते समय हाथ मेज पर ना रखें। सभी जवान अपना खाना शुरू करें। अफसर की बात गौर से सुनने के बाद शुरुआत होती है एक नए दौर की, जिसमें एक बड़ा परिवार अपने नए मुखिया के साथ बैठकर सलीके से खाना खाता है।
खाने के बाद सबको एक साथ उठकर बाहर जाकर अपने बर्तन धोकर रखने होते हैं। खाने के बाद थोड़ा आराम और फिर 5 बजे का वक्त है खेलों का। खेलों से शरीर तंदुरुस्त रहता है और चुस्ती फुर्ती कायम रहती है। अपनी पसंद और काबिलियत के हिसाब से रिक्रूट्स अपना खेल चुन सकते हैं। यहाँ फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कुश्ती और कई तरह के खेलों की सुविधा है। शाम होते ही क्वार्टर गार्ड से निकलती बिगुल की आवाज दिन की कार्यवाही खत्म होने का ऐलान करती है।